ये जो कोलकाता बनाम आरआर का मुकाबला था, अंत में वाइड भी नहीं थी, कितनी दी जाएगी? मुझे तो लगा वाइड के लिए और एक गाइड चाहिए। पता नहीं चल रहा है वहाँ चल क्या रहा है, ना तो वहाँ नो बॉल का पता चल रहा है, ना वाइड का पता चल रहा है। पर इन दो अंकों की कीमत कोलकाता से पूछो भाई, क्योंकि 6 अप्रैल से जाके अब तक पहला मुकाबला जीते हैं, अपने कैंपेन को जीवित रखने में संपन्न रहे हैं और अपनी किस्मत अपने हाथों में है। अगले आप 4 मुकाबले जीते तो 16 अंक तक पहुंच जाएंगे, तो क्वालिफिकेशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आरआर पहले एमआई से हार मिली, अब कोलकाता ने हार थमा दी है, तो कहानी में आ रहा है थोड़ा सा ट्विस्ट। पर इन मुकाबले की बात करें तो कोलकाता ने बहुत सारे बदलाव किए। टॉस जीत गए श्रेयस अय्यर, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर शिवम माई भी खेल रहे थे। हर्षित राणा पिछले मैच में खेले थे तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। वरुण चक्रवर्ती को दोबारा मौका नहीं मिला। अनुकूल रॉय आ गए और बाबा इंद्रजीत को ओपन करा दी गई। पता नहीं चल रहा है कि खेल कौन रहा है। वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया, ये जो उनके रिटेन प्लेयर थे, और उनमें 4 में से 2 10 मैच तक आते आते दोनों को ड्रॉप कर दिया। आरआर ने एक बदलाव किए, करुण नायर आ गए, राशि वैन डोसन क्यों नहीं यार, आपने भी बहुत जल्दी उनसे नाता तोड़ दिया। मुझे लगता था कि राशि को आप थोड़ी देर और खिला सकते थे। डैरन मिचेल को आपने नहीं खिलाए, 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ खेलना जरूरी थोड़ा है यार, अब 4 ओवरसीज खिला सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस मैच में कौन थे बढ़िया खिलाड़ी जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। आप उमेश यादव की तरह देख सकते हैं, आप टीम सावधी की तरह देख सकते हैं, आप नीतीश राणा की तरफ देख सकते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ रिंकू सिंह के साथ। रिंकू सिंह ने कमाल कर दिया यार, मौके नहीं मिलते हैं, बहुत कम मौके मिलते हैं, रन भी बनाते हैं तो भी उनको 8वें और 9वें नंबर पर भेज देते थे, तो समझ के परे थे। तो भाई साहब आपको पसंद तो है, पर जैसे कि लड़की मुझे पसंद है पर शादी नहीं करूँगा, गर्लफ्रेंड है पर बीवी नहीं बनेगी, पर हर बार रखते थे अपनी टीम में, ऑक्शन से उठाते थे पर खिलाते नहीं थे, पर फील्डिंग अच्छा बैटिंग अच्छा करते थे, फिर एक मैच में अच्छा करता फिर ड्रॉप कर देता, पर इस बार टीम ने पूरा विश्वास जताया है। आज के लिए इतना ही, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।